तो यार KGF चैप्टर 2 जो फिल्म आ रही है ये बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाती ही जा रही है। अभी तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन ये फिल्म जो है इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फिल्म जो है वो रिलीज़ होगी 23 अक्टूबर 2020 को कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और जो फिल्में हैं वो कोई भी रिलीज़ नहीं हो रही हैं। तो इस फिल्म से बड़ी अपडेट है, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार फिल्म आउट होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको बॉलीवुड की हर खबर मिले सबसे पहले। तो चलिए पहले बात करते हैं फिल्म के रिकॉर्ड की। तो आपको बताते चले दोस्तों कि KGF चैप्टर 2 जो है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है, जैसे कि IMDb पे बहुत अच्छी रेटिंग जा रही है इसकी और TikTok पे 3.8 बिलियन हैशटैग यूज़ हो चुके हैं जो KGF चैप्टर 2 करके। और साथ ही साथ आपको बताते चले इस फिल्म का जो टीज़र है वो भी आउट किया जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों हुआ ऐसा था बीच में कि जो फिल्म के मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि फिल्म का ट्रेलर और टीज़र आउट नहीं होगा, लेकिन जब फैंस ने डिमांड करना स्टार्ट किया, मतलब सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब हर जगह से यही रिस्पॉन्स आ रहा था ट्विटर पे, हर जगह पे कि इस फिल्म का ट्रेलर तो आउट होना ही होना चाहिए। फिर इसके बाद जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है भैया, अगर पब्लिक डिमांड कर रही है इस फिल्म के ट्रेलर के आउट होने की तो हम ज़रूर आउट करेंगे। फिर टीज़र का अनाउंसमेंट हुआ और ट्रेलर का अनाउंसमेंट अभी बाकी है। और अगर आप जानकारी हम आपको बताएं कि इस फिल्म के ट्रेलर का, तो आपको बताते चलें कि सितंबर के महीने में इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो आउट हो जाएगा, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के टीज़र की, तो टीज़र भैया जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा सितंबर से पहले पहले। वहीं अगर बात करें 23 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दें कि 23 अक्टूबर तक, अभी तक जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का और कोरोना वायरस का, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि जुलाई में सारे के सारे थिएटर्स खुल जाएंगे जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो अगर जुलाई में अनाउंसमेंट हो चुकी है थिएटर्स के खुलने की, तो अक्टूबर में ये फिल्म आउट हो जाएगी। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़े सुपरस्टार आज के डेट में चल रहे हैं यश, तो वो और उनके अपोजिट में देखने को मिलेंगे संजय दत्त। अब संजय दत्त को इस फिल्म के अंदर अधीरा के रूप में कास्ट किया गया है, क्योंकि अब इतना बड़ा दमदार हीरो होगा तो उसको टक्कर देने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, तो दमदार के तौर पर संजय दत्त को कास्ट किया गया। वहीं इस फिल्म के अगर डायरेक्टर की बात करें तो प्रशांत नील ने इस फिल्म को पूरे तरीके से डायरेक्ट किया है। वहीं प्रोड्यूसर विजय किरगांडूर हैं। अब दोस्तों बात करें तो अभी तक ये जो KGF चैप्टर 2 है ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है हर जगहों पे। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि इस फिल्म के अंदर और भी श्रीनिधि सेट्टी करके इस फिल्म में कास्ट हैं, रवीना टंडन भी इस फिल्म में होने वाली हैं, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो इस फिल्म के अंदर होंगे। तो दोस्तों ये थी ऑफिशियल। अब क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जो है वो जरूर बता दो। सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को। धन्यवाद।